जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके सामने एक न्यू अपडेट लेकर आए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हैं, और सिविलियन की पोस्ट हैं दो वो आई हैं, और आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। जिन भाइयों का आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो ये इन फार्मों को भरकर अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि ये जो जीडी लेवल का एग्ज़ाम होगा इसका, और फिजिकल भी नॉर्मल है और ये परमानेंट जॉब है, तो इसलिए इसको अप्लाई ज़रूर करें। तो इसके लिए हमने जो ये नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट आई इसकी जो ट्रेड्समैन की और जो फायरमैन की, दो पोस्ट हैं। और इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जर्नल की 508 हैं, और EWS यानी कि जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, हो गए जितने भी, तो उनकी 124 125, या और OBC जितने भी OBC वाले हैं उनकी 337 पोस्ट हैं। SC के लिए 187 और ST के लिए 93 पोस्ट हैं। तो इस तरह टोटल ये पूरे इंडिया की पोस्ट दी गई हैं, और टोटल कर 1249 पोस्ट अपना ट्रेड्समैन की बैठती हैं और फायरमैन की 544। इस तरह से उनकी सैलरी दी गई है 18,000 से 56,900, और सेम 63,200 तक की इसकी सैलरी है। और इसके साथ जो जितने भी कैंडिडेट हैं अपना अच्छे तरह से इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आपको मतलब कि आपने जो मौका इसमें आर्मी में जाने का गुवा दिया है, यानी कि आपने 100% नहीं दे पाए थे, तो इसमें अपना उन कमियों को पूरा करके आप यहाँ से सिलेक्शन निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है इसका, नॉर्मली वही सिलेबस है कोई आप जो आर्मी में आपने अभी तैयारी की है। और इसके साथ हम बात कर लेते हैं जैसे स्टेट वाइज, जैसे दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इस तरह से आपको स्टेट वाइज आपको वैकेंसी मिलेंगी, कितनी पोस्ट हैं आपकी, आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे फायरमैन की 71 पोस्ट हैं और ट्रेड्स मैनेजमेंट की 430 पोस्ट हैं। तो इस तरह से आप अपना स्टेट वाइज आप यहाँ से UT के हिसाब से आप यहाँ से वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। जैसे राजस्थान गुजरात की होगी फायरमैन, वहाँ पर 89 मांग रखे हैं, और ट्रेड्स मैन की मेट के लिए 164 मांग रखे हैं। तो इस तरह से आप यहां से अपना पोस्ट को, वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी मांग रखी हैं। और आपके लिए जो सिटीज़न होना चाहिए वो इंडियन होना चाहिए, नेपाल से भी हो चलेगा या भूटान से भी हो, वो वहाँ से अपना ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं जैसे एज की लिमिट की बात करें, जो एज मांग रखी है इसमें 18 से 25 एज मांग रखी है, और रिलैक्सेशन आपको आगे बता देंगे कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मली 10th मांग रखी है, और काफ़ी बच्चों की मतलब कि ये अपना आराम से इस फॉर्म को अब आसानी से फिलअप करा सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और आप यहाँ पर साइट आप चेक कर सकते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। और जो रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST की 5 साल की मिलेगी, और OBC को 3 साल की, और PWD को अपना 10 साल की, इस तरह से आपको एक्स सर्विसमैन को 3 साल की। तो इस तरह से आप अपना यहाँ से आप देखकर अपनी एज के हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे की तरफ जाएं, तो हम बात करें डिफेंस पर्सनल, यहाँ से आप जो भी आपकी एज के हिसाब से जो भी आपने फिलअप करना है तो यहाँ से आप चेक करके फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपको ये बता दें कि आप आर्मी में जाने का सबसे बढ़िया मौका है, इसमें आप इस मौके को गवाए ना। और आपके एक नॉलेज के लिए बता दूं कि जो कैथल में अभी रिकॉर्ड तोड़ा है एकेडमी ने, यानी कि 37 बच्चों की सिलेक्शन दी है आर्मी में, यानी कि जो आर्यवर्त एकेडमी है कैथल में पड़ती है न्यू बस स्टैंड के पास, तो वहाँ से आप अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। आपको वहाँ पर आकर विजिट करना चाहते हैं तो बहुत ही वेलकम है आपका। और बाकी मैं तो ये कहूँगा कि अपना जो एक बार ज़रूर डेमो लगा कर देखें, और अपना कॉन्टैक्ट पर भी बात कर सकते हैं, अगर आपको किसी तरह की कोई राय लेनी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विनोद सर हैं वहाँ पर अपना जो मेन हेड है उनके। तो इसके साथ साथ अगर आपको मतलब कि किसी तरह की वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप वहाँ पर PG वगैरह की पूरी फैसिलिटी मिलेगी आपको, और अच्छे टीचर्स हैं जो काफ़ी 10-10 साल का एक्सपीरियंस है आर्मी की स्पेशल, काफ़ी रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है उनका। अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट की बात करें तो जो इसकी डिटेल है, ट्रेड्समैन का जो फिजिकल टेस्ट रहेगा 1.5 किलोमीटर लगानी है,
आपने 6 मिनट में, और जो 50 किलो वेट के साथ अपना 200 मीटर चलना है नॉर्मली, यानी कि 100 सेकंड में, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए सेम रनिंग रहेगी, और लेकिन टाइमिंग बढ़ जाएगी, 7 मिनट 11 सेकंड हो जाएगी, और यानी कि 431 सेकंड, और उसमें 50 kg वेट उठाकर आपने 200 मीटर चलना है, ये उसमें 2 मिनट हो जाएगी, यानी कि 120 सेकंड आपकी, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम बात करें तो जिनकी एज के हिसाब से आपने जैसे आप वैकेंसी आपने फिलअप करी है तो उसके हिसाब से आपको टाइमिंग दे रखी है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल फिजिकल नहीं है, आप अपने स्टडी के साथ साथ अपना थोड़ा फिजिकल जैसे वेट ट्रेनिंग वगैरह की अच्छे से तैयारी करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर फायरमैन की बात करें जो, तो हाइट मांग रखी है 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो एन एक्सपेंड करके अपना 81.5 सेंटीमीटर मांग रखी है, और एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर मांग रखी है। वेट की बात करें तो कम से कम आपका 50 kg वेट होना चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें जो जो फायरमैन का है 1.6 किलोमीटर लगानी है, रनिंग करनी है, वो आपने 6 मिनट में लगानी है, या और फीमेल कैंडिडेट है और जो एक्स सर्विस मैन उन्होंने अपना 8 मिनट 26 सेकंड में लगानी है ये। बाकी एज के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 40 ईयर उन्होंने भी 7 मिनट कुछ में लगानी है, और 40 से 45 से 7 मिनट 48 सेकंड में लगानी है, ऐसे मतलब आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जिसमें आपने जोन से भी उसमें अपने फॉर्म फिल किया है। तो लॉन्ग जंप वगैरह नॉर्मली होगी आपकी, और इसके साथ साथ जो 2.7 अपना मीटर वाइड यानी चौड़ाई अपना होनी चाहिए, जिसके साथ अपना आपने एक रोप भी चढ़नी पड़ेगी, यानी कि 3 मीटर के समथिंग कुछ फीट की अपना रस्सा चढ़ना पड़ेगा, और अपना वेट ट्रेनिंग के साथ अपना रस्सा चढ़ना पड़ेगा, और थोड़ी नॉर्मली जंप है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ साथ अपना जो भी फिजिकल है, फिजिकल नॉर्मली दिया है, कोई ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है जैसे। और इसके साथ साथ जो भी हम बात करें तो सिलेबस की, सिलेबस में आपका जो जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग यानी कि आपकी जो 50 नंबर की आएगी, और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड आएंगे आपके 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश आएगी आपकी 25 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 50 नंबर की। तो इस तरह से 150 का आपका जो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, और इस तरह से आपको 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी जो हैंडीकैप वगैरह हैं उनको अपना 20 मिनट मिलेगी, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है अपना इंग्लिश हिंदी किसी भी तरह जनरल इंग्लिश के हिंदी के हिसाब से अपना वहाँ पर आप देख सकते हैं, और ओमेर सीट वगैरह जो भी है आपके कैंडिडेट के बारे में जो भी गिवन कोई भी नॉलेज है वो इसमें आपको मेंशन कर रखी है। जो नेगेटिव मार्किंग बात करें तो 0.25 मार्किंग ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का यानी कि 0.25 मार्क कटेंगे आपके अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो। और यहाँ पर आपके जो सिलेबस रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और जो भी सिलेबस में आपके क्या क्या चीज़ आएंगी वह यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी मैंने जो मेन इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताना था, बाकी जो फॉर्म फिल कराना है वो अपना फॉर्म फिल करने वाला आपका आराम से कर देगा, जो भी जिसके जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मांग रखे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसकी कॉपी वगैरह, फ़ोटो का साइज़ वगैरह, वो सब अपना वो जहाँ पर आप फॉर्म फिल कराएंगे वहाँ पर अपना करवा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेनली बात ये इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें, इस सुनहरे मौके को गवाए ना, और अपना जितना उसके अपने इस तैयारी पर लग जाएं, डीमोटिवेट होकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अपना आगे टारगेट की तरफ अपना पूरा फोकस बना के रखें। बाकी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे जो भी वैकेंसीज वगैरह आएंगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको ये नॉलेज कैसे लगी और बाकी कमेंट में ज़रूर लिखना, और इसके साथ साथ अगर कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट आप आर्मी के रिलेटेड आती है या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड आती है आपको इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी अभी के लिए जय हिंद।